आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का तीसरा लॉ है। मेंडल का कौन सा लॉ है ये? तीसरा लॉ। पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। वेरी गुड, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये कहां से आया है? मेंडल के जो डायहाइब्रिड क्रॉस था, पढ़ा है ना डायहाइब्रिड क्रॉस अपन ने, तो वहां से ही आया है। और डायहाइब्रिड क्रॉस अपन पढ़ चुके हैं, याद है? मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही अपन क्या करेंगे? अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे कि ये होता क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो ये कहता है कि अगर मान के चलो जैसे मेंडल ने क्या, वो क्या मानता था? फैक्टर मानता था। मेंडल क्या मानता था? जीन को। फैक्टर क्या मानता था? फैक्टर मानता था। ठीक है, जीन की जगह वो क्या मानता था? फैक्टर मानता था। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है? जैसे मान के चलो दो मैंने क्या लिए, जीन ली हुई है। दो क्या ली हुई है? जीन ली है। सबसे पहले तो दो क्रोमोजोम लो, बाद में जीन लेना है ना। तो मैंने एक ये क्रोमोजोम लिया, एक ये क्रोमोजोम लिया, एक ये क्रोमोजोम लिया और एक ये क्रोमोजोम लिया। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैंने ये दोनों पेयर लिए और ये दोनों पेयर क्रोमोजोम के लिए। इसमें मान के चलो यहाँ पर है आपका कैपिटल ए। क्या है यहाँ पर? कैपिटल ए। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? अगर मान के चलो यहाँ स्मॉल ए, ठीक है, क्योंकि सामने सामने रहती है जीन्स या फैक्टर, सामने सामने रहते हैं क्रोमोसोम के। तो ये पेयर पर क्या, होमोलोगस पेयर पर क्या है ये क्या कहलाएंगे? ये होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाए जाएंगे? ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो समझना, होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, उनमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगा अपन को? जीन्स मिलेंगे या फैक्टर मिलेंगे। अब ऐसे ये वाला भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेंगी? जीन्स मिलेंगे या फैक्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगी? जीन्स या फिर फैक्टर मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा? कैपिटल बी। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? स्मॉल बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। अब कहने का मकसद ये है, अपन क्या सोचते थे, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये भी क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों भी क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, और अगर मैं सेट की बात करूं तो ये एक सेट होता है ऐसे में, और एक ये ऐसे सेट होता है। होता है कि नहीं? मैंने तो बताया था ऐसे ऐसे अलग होते हैं, ऐसे सेट ऐसे याद होते हैं, बताया ना? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, तो ये सेट है पूरा का पूरा, और ये कैसे, ये पूरा का पूरा, और भी होंगे ना नीचे क्रोमोसोम, इधर भी नीचे क्रोमोसोम, इधर भी नीचे क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब समझने की कोशिश करना कि अपन क्या सोचते हैं, अपन क्या सोचते होंगे जब ये गैमिट्स बनती होंगी, क्या बनती होंगी? तो याद होगा मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इस तरीके से हो जाता है, याद है? मैंने बताया था कि यहाँ से आधे आधे हो जाते हैं पेयर, इधर भी क्रोमोसोम होंगे जरूर, है ना? बताता हूँ, इधर भी क्रोमोसोम होंगे ऐसे, इधर भी क्रोमोसोम होंगे ऐसे, ऊपर भी क्रोमोसोम होंगे ऐसे, पूरा का पूरा सेट होगा ऐसे, है ना? और मैंने आपको क्या बताया था, बीच में से क्या कर दो, आधे आधे कर दो, तो ये गैमिट्स में चले जाएंगे। मैंने बताया था गैमिट्स में क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं, याद है इतना सभी को? गैमिट्स में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? आधे आधे हो जाते हैं। अब समझना कि अपन क्या सोचते हैं, एक गैमिट में ए और बी गया, दूसरी गैमिट में स्मॉल ए और स्मॉल बी गया। एक गैमिट में क्या बना गया? ए और बी। दूसरी गैमिट में क्या गया? स्मॉल ए और स्मॉल बी। पर होता क्या है एक्चुअल में, यहां पर हो जाता है रिकॉम्बिनेशंस। क्या हो जाते हैं? रिकॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। समझ पा रहे हो कैसे? कुछ इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं। ठीक है, कि ये वाला जो ए है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा इस बी के साथ ही जाएगा, ये वाला ए इस स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, ये वाला ए इस स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है गैमिट में, और ये वाला बी जो है जरूरी नहीं है कि इस ए के साथ जाएगा, ये वाला बी इस स्मॉल ए के साथ भी जा सकता है गैमिट। समझ पा रहे हो? तो ये क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेशंस, अलग अलग। एक तो ए बी रिकॉम्बिनेशन हो गया, एक क्या हो गया, एक तो ए वाला किसके साथ चला गया? बी के साथ चला गया गैमिट के अंदर ऐसे में ना, ये गैमिट बन गई, है ना? एक ये गैमिट बन गई, और दूसरी क्या गैमिट बन गई? स्मॉल ए स्मॉल बी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी गैमिट बन गई। आ रही बात समझ में? ये तो दिख रहा है साफ साफ, ये तो क्या है?
दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कि कैसे जा सकता है, ए ए वाला किसके साथ जा सकता है, ए वाला स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, ठीक है, और बी वाला स्मॉल ए के साथ भी जा सकता है। इसे आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आप जो है इंडिपेंडेंट है, ये क्रोमोजोम इस क्रोमोजोम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि ये वाला क्रोमोजोम इस पर आए, समझ रहे हो बात को, ऐसा नहीं होगा कि ये इस वाले क्रोमोजोम के साथ ये वाला ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, कभी भी ऐसा नहीं होगा, या ये वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी ये वाला क्रोमोजोम इस वाले के साथ जा सकता है, ये वाला इसके साथ जा सकता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है, समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो ठीक है सर, मैं हमने आपकी बात मान ली, ठीक है, कि क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, ये बात हमने आपकी बात। क्या होता है, इस बात को समझना कि भाई ये वाला क्रोमोजोम इस वाले के साथ, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि ये वाला क्रोमोजोम इसके साथ भी जा सकता है, पर ये क्योंकि ये देखो एक्सचेंज हो गया, समझ पा रहे हो, ये वाला भी इधर आ गया, ये वाला भी इधर पहुंच गया, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कॉम्बिनेशन, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक ए और बी के साथ ऐसा बैठा है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है स्मॉल बी, यहाँ पर क्या होगा कैपिटल कैपिटल बी, और यहाँ पर क्या होगा स्मॉल ए, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी गैमिट बन गई, यहाँ पर तुम्हारी जो गैमिट बन रही थी वो क्या बन रही थी, ए और बी, ये दोनों गैमिट बन रही थी, ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी बन रही थी, अब ये वाली दो गैमिट जो है वो ऐसे बन जाएंगी, तो मान के चलो ए इधर है और बी इधर है स्मॉल बी, तो अब तुम्हारी गैमिट कौन सी बन रही है, इधर बताओ मुझे, यहाँ पर गैमिट कौन सी बन रही है, यहाँ पर गैमिट बनी ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है खत्म, यहाँ पर कौन सी गैमिट बनी, मान के चलो कॉम्बिनेशन अगर ऐसा है ए के साथ स्मॉल बी आ रही है, ठीक है, ए के साथ क्या आ रही है स्मॉल बी आ रही है, ठीक है, और बी के साथ क्या आ रही है, तो ये तुम्हें चार तरीके की गैमिट तुम्हारी बन गई, जब जब अलग अलग जीन अलग अलग क्रोमोजोम पर थी, अलग अलग जीन क्या थी, अलग अलग क्रोमोजोम, क्योंकि पहले तो देखो क्रोमोजोम के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, क्रोमोजोम के बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि क्रोमोजोम के ऊपर जीन होती है, पहले किसी को नॉलेज नहीं थी, ये बात ध्यान रखना, ये तो जो है बाद में सटन और बोवेरी ने जो है ये बताया कि ये क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के ऊपर रहती हैं जीन्स, क्रोमोजोम के अंदर रहती है जीन्स, ठीक है, जो है सेल के अंदर हम देखते गए, क्योंकि क्रोमोसोम दिखते कहाँ थे, उसने तो मेंडल ने हवा हवाई बातें बोल दी थी कि ये ना सेल के अंदर जो है एक फैक्टर्स रहते हैं जो इधर से उधर पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, हवा हवाई बातें बोल दी, तभी तो उसकी बात मानी नहीं गई, तभी तो उसकी बात मानी नहीं गई, सब हवा हवाई बातें बोल रहा था वो, है ना, तो बाद में उसने जो है फिजिकली जब जब सेल के अंदर हम घुस पाए, न्यूक्लियस के अंदर हम घुस पाए, तब हम उसने ये बताया कि भैया, फिर ये सटन और बोवेरी ने बताया कि भैया ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगी हुई है, जीन्स लगी हुई है, क्या लगी हुई है, जीन्स लगी हुई है, समझ में आया, तो ये बात ध्यान में रखना, मेंडल को क्रोमोसोम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मेंडल के हिसाब से जो जीन था वही क्या है उसके हिसाब से फैक्टर, मेंडल जीन्स को क्या कहता था, फैक्टर कहता था, वो तो हमने बाद में बताया कि जो जो फैक्टर बोल रहा है वो जीन्स है एक्चुअल, है ना, तो ये बात ध्यान रखना। अब ये आपने ये दो क्रोमोसोम तो बना लिए, ये दोनों गैमिट्स बना ली, पर अब मान के चलो भैया, अब हमारे पास यही है, हमारे पास एक ही क्रोमोसोम में दो दो जीन ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, एक ही क्रोमोसोम पर दो दो जीन्स ले रहा हूं, एक तो क्या हो गया ए, एक क्या ले ली मैंने, दरी सॉरी, एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, कैसे है ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसे और भी क्रोमोसोम होंगे पर हमें उससे मतलब नहीं, हम ऐसे और भी क्रोमोसोम होंगे सेल के अंदर, ये सेल है, ये सेल है पूरा का पूरा, ठीक है, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर भी वाला सेल रहा, है ना, समझ रहे हो ना बात को, ये पूरा का पूरा सेल रहा, है ना, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है बकायदा पूरा का पूरा, ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, ये न्यूक्लियस है ना, तो ऐसे इस न्यूक्लियस में एक दो क्रोमोसोम तो होंगे नहीं, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे पर हमें उससे लेना देना नहीं, हम तो इन दोनों पर कंसंट्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों पर, यहाँ पर भी,
यहाँ पर भी ऊपर भी बहुत सारे होंगे, नीचे भी बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, पूरा का पूरा न्यूक्लियस। हमें चार पर ले रहे हैं, हम किस पर ले रहे हैं, कंसेंट्रेट इन चारों पर है। आई बात समझ पा रहे हो ना ये बात? तो यहाँ पर भी ऐसे ही हमारा कंसेंट्रेशन इन दोनों पर है सर। बाकी ऊपर भी क्रोमोसोम होंगे, इधर भी क्रोमोसोम होंगे, इधर भी 23 पेयर होंगे क्रोमोसोम, इधर भी 23 पेयर, जानते हो ना, 23 इधर 23 इधर, समझ पा रहे हो ना? चलो अब सुनना ढंग से, हमें इन दोनों को देखना है, बाकी बाहर जाए क्रोमोसोम, बाकी क्रोमोसोम बाहर में जाए, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक ए ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया, यहां पर क्या ले लिया, बी ले लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया, स्मॉल ए, और यहां पर क्या ले लिया मैंने, स्मॉल, ठीक है, यहां पर स्मॉल ए, यहां पर स्मॉल बी, यहां कैपिटल ए, यहां पर कैपिटल बी। अब तुम इसकी गैमिट्स बनाओ, तो गैमिट्स कैसे बनाओगे जरा बताना, जरा क्या बन, कैसे बनेगी ऐसे, क्या क्या गैमिट्स में क्या आ जाएगा, गैमिट्स में क्या आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये आपकी एक बन गई गैमिट। चलो और दूसरी गैमिट कौन सी बन गई, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, एक तुम्हारी ये गैमिट बन गई। चलो हटाओ, ठीक है, दो गैमिट्स आपकी बन गई, कितनी गैमिट्स बन गई, दो गैमिट्स बन गई, एक ये और एक ये, बाकी की तो चार कॉम्बिनेशन बनते हैं अब, यहाँ तो बनेंगे नहीं चार कॉम्बिनेशन। अब कैसे होगा, देखो जब अपन अब मैं बताता हूँ, देखो तुम्हें पता होगा कि दो नहीं बनती, एक सेल से चार बनते हैं, क्या बनते हैं, एक सेल से मियोसिस, याद है एक सेल से कितने बनते हैं मियोसिस में, सबको पता है मैंने, एक से कितने बनते हैं, चार बनते हैं मियोसिस में, बनते हैं कि नहीं होते, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर भी एक तरीके से जो है चार से चार ही गैमिट्स बन रही है, यहाँ पर भी कैसे चार प्रकार की गैमिट्स बनेगी, क्या होता है कि ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, मियोसिस के दौरान क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर, ये ए इधर इधर, ये जो है आपस में आते हैं क्रोमोसोम, भाई ये जोड़ा है ना एक तरीके से, जोड़े का मिलाव होगा, क्या होगा जोड़े का मिलाव होगा, तो ये आपस में क्रोमोसोम ऐसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से समझना, यहाँ पर क्या है स्मॉल कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे मिलाव करेंगे, है ना, ये इधर आ जाएंगे, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा कैपिटल ए, इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल इधर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर क्या आ गया स्मॉल बी कैपिटल, समझ पा रहे हो ना, तो इस तरीके से ये दोनों क्या आ गए, इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, अब समझ रहे हो ना, ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी, इधर देखो ये इधर क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है ना, ये ए और बी, ए और बी, ठीक है, तो ये इधर चला गया, बी इधर चला गया, और स्मॉल ए के इधर चला गया स्मॉल बी के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या पा लिया, एक तरीके से कर लिया आपस में एक दूसरे को, क्या कर लिया, और जो है ये एक एक किसको दे दिया, इसने बी को दे दिया, और बी जो होगा वो ए, 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 इस वाले ए ने स्मॉल बी इसको दे दिया, और इस वाले ए ने इसको दे दिया, आई बात समझ में, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर होना, क्या कहते हैं ये, कब होती है ये क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस के दौरान, क्या होती है, मियोसिस के दौरान यहाँ पर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ए के साथ कौन पहुंच जाता है, स्मॉल बी, ठीक है, अब क्या होगा, ये टूट करके, समझना इस बात को, कुछ नहीं हुआ, ये दोनों पास आए, क्या हुआ, ये दोनों पास आए, इस स्मॉल बी ने जो है ये स्मॉल बी कट करके इसके पास आ जाएगा, और कैपिटल बी इस कट करके इसके पास आ जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो अब जो नया वो बनेगा वो क्या होगा, कट करके स्मॉल ए के साथ कौन आ गया, सॉरी कैपिटल ए के साथ कौन आ गया, स्मॉल बी, और इधर क्या आ गया, यहां पर क्या आ गया, ये क्या हो गया कैपिटल बी, और यहां पर क्या हो गया स्मॉल ए, आई बात समझ में, इससे क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाना, ठीक है, तो स्मॉल बी के साथ कौन आ गया, कैपिटल ए के साथ आ गया स्मॉल बी, और कैपिटल स्मॉल ए के साथ कौन आ गया कैपिटल बी, समझ पा रहे हो, तो ये क्या बन गया, अब गैमिट्स बनाना इसकी जरा, अब गैमिट्स बनाओ तो क्या बन रही है, क्या बन रही है, ए और
स्मॉल बी, ठीक है, और इधर कौन सी गैमेट बन रही है, ए और, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे जनरली कैपिटल बी को ज्यादा पहले लिखा जाता है ना, ठीक है, कैपिटल को पहले लिखा जाता है, ठीक है। चलो तो ये बन गई दो गैमेट्स, तो ये क्या नए 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 कॉम्बिनेशन है, ये नया कॉम्बिनेशन है ये कि नहीं है, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं इसे, आई बात समझ में, क्योंकि एक नया कॉम्बिनेशन मिला हमें, क्या मिला, नया कॉम्बिनेशन मिला, तो एक क्या कहलाया जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। आपको क्यों मिला, किस दौरान मिला, मियोसिस, तो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है और क्या मिलता है हमें, नए कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, क्या ये तो पुराने कॉम्बिनेशंस हैं, ये क्या है भैया, ये तो पुराने क्रॉस कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पुराने भाई सिंपल, इसमें क्या हुआ, गैमेट बन रही थी, ए के साथ बी चला गया, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी चला गया, ये तो ये नॉर्मल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब क्रॉसिंग ओवर हुई, जब क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, ये वाला स्मॉल कैपिटल बी इसके पास पहुंचा, स्मॉल बी इसके पास पहुंच गया, तब हमें क्या मिले, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल गया, क्या मिल गया हमें, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल गया। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। सटन बोवेरी ने ऐसे जैसे उसने क्या बोला, सुनो देखो, सटन बोवेरी ने ही बोला था कि क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहती है, जीन्स वगैरह रहती है, तो जैसे जैसे जो फैक्टर्स होते हैं, है ना, उसने बोला भाई साहब तुम्हारे जो मेंडल के फैक्टर है ना वो जीन हमारे क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट है, जो मेंडल के फैक्टर है ना वो क्या है, क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट है, ये किसने बोल दी थी, सटन बोवेरी ने, उसने बोला तुम्हारे मेंडल, तुम्हारे फैक्टर अलग अलग होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, तुम्हारे जो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान तुम्हारे जो फैक्टर्स हैं अलग अलग होते हैं ना, ऐसी जो हमारे क्रोमोसोम है ना वो भी अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना। सेम टू सेम उसने जो है कई प्रूफ कर दिए थे, ठीक है, और जैसे तुम्हारे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसमें हो रही है, जैसे जैसे तुम्हारी जीन्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, क्या होती है, जैसे तुम्हारी जीन्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है ना, कि ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ चला गया, कैपिटल ए किसके साथ चला गया, स्मॉल बी के साथ जा रहा है, ये देखो कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा रहा है ना, तो ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है किसमें, जीन्स में, क्या हो रहा है, जीन्स में। ऐसे ही क्रोमोसोम में भी रिकॉम्बिनेशन होता है, ऐसे क्रोमोसोम में भी क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, जैसे मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंसी होती है, क्रोमोसोम में भी क्या होती है, इंडिपेंडेंसी, ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है क्रोमोसोम, स्मॉल के कैपिटल बी स्मॉल ए के साथ क्या जा सकता है, क्रोमोसोम जा सकता है, समझ रहे हो बात को, तो इसमें भी आपको क्या देखने पड़ेगा, क्रोमोसोम में भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और जीन्स लेवल पर भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, समझ पा रहे हो, तो ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ भी इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी के साथ सब फ्री है, और जीन्स भी, क्या जीन्स भी जो है अगर मैं बात करूं वो भी इंडिपेंडेंट असॉर्ट है, ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकती है जीन, ठीक है, और स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जा सकती है, ठीक है, तो जीन्स और क्रोमोसोम एक ही है एक तरीके से, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। चलो देखो क्या हुआ, मेंडल का जो है क्यों वो फेमस नहीं हो पाया, है ना, क्या रीजंस थे, मेंडल जो है ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, उस वक्त देखो कम्युनिकेशन इजी नहीं थी, उस वक्त क्या नहीं थी, कम्युनिकेशन इजी नहीं थी, उसने एक तो क्या है जो है अखबारों में जो था कम, एक तो पॉप वो थे अखबार, सिर्फ अखबार ही मीडियम था, ज्यादा नहीं था कोई और मीडियम, है ना, तो और उसमें भी उसने सिर्फ एक अखबार में जो है बस अपना आर्टिकल छोटा सा डलवा दिया, तो वो कम्युनिकेशन गैप था, क्या था, एडवर्टाइजमेंट गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है। हिज मैथमेटिकल अप्रोच वॉज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल, भैया तुम बायोलॉजी में मैथ्स डाल रहे हो यार, तुम आदमी हो कौन हो, समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो ये भी दिक्कत थी, ठीक है, बायोलॉजी में मैथ्स कौन बर्दाश्त करेगा, ठीक है, समझ में, आदमी बायोलॉजी इसलिए तो लेता है कि मैथ्स नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है, और तुमने बायोलॉजी में ही मैथ्स डाल दी है, चलो तो इस वजह से इस लोगों को प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो मेंडल आखिरी में बोल के गया था, है ना, कि मेरा जो है टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, समझ रहे बात को, तो वो बोल के गया था और उसका टाइम जो है आया और वो फादर बना दिया गया उसको, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक तो फिर क्या है उस, एक तो हमें देखो क्रोमोसोम, तो चलो हम सेल के अंदर क्रोमोसोम इतनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है ना, सिंपल वाले माइक्रोस्कोप से तो नहीं दिखता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है बड़ा वाला, है ना, जीवाजी यूनिवर्सिटी में है, बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप है, ग्वालियर में और कहीं नहीं है, है ना, बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप होता है ना, तो उसकी हेल्प से अपन सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी देख सकते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर भी हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन आप जो अपने जो लेबोरेटरी में छोटे छोटे माइक्रोस्कोप है ना, उसमें तुम सेल देख ली है, बहुत बड़ी बात है। अगर सेल दिख जाए तो बस सेल दिख गए और डॉट डॉट दिख गई, यानी वो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं देख पा रहे थे, है ना। तो ये बात जानना, अब तुम फैक्टर तक पहुंच रहे हो, फैक्टर हमें दिखते हैं क्या? तो मेंडल ने बोला फैक्टर होते हैं सेल के अंदर, मैं कोई दिखा पाया भैया ये इस जगह पर फैक्टर है या उस जगह पर, कोई बता पाया वो? तो इस वजह से, ये इस वजह से जो है मेंडल पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है। और जो है ठीक है, और ये अगर मैं बात करूं दूसरी बात की, ये वेरिएशंस कैसे आती हैं, ये फैक्टर के अंदर वेरिएशंस कैसे आती हैं, वो तो अब अपन को पता है कि क्रोमोसोम के अंदर होती है जीन, जीन जो बनी होती है वो बनी होती है डीएनए से। जब डीएनए के ए टी सी जी जो सीक्वेंस होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, ए की जगह जी आ गया, तो फिर मैंने बताया था वो डिसीज हो रही थी, वो तो हम अभी बता पा रहे हैं ना, पहले थोड़ी मेंडल बता पा रहा था कि ऐसे वेरिएशन ऐसे डिसीज क्यों हो रही है, समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखना, उस वक्त नहीं था। तो भाई साहब इन्होंने, मैंने आपको बताया था 1900 के अंदर, कब? 1900 में ह्यूगो डिवरीज, कार्ल वॉरेंस और एरिश वॉन टेशमार्क, ठीक है, इन तीनों जनों ने जो है 1900 में जो है मेंडल के वर्क को खोदा, है ना। मतलब एक पेपर देखा, उसको थोड़ा बहुत जो है बताया कि ये मेंडल का ही पेपर है, मेरा नहीं है कुछ भी, मतलब हम बस मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज उस मेंडल ने यूज करी थी, मैथमेटिशियन था, तो जो लैंग्वेज यूज करी थी बड़ी टफ थी, समझ पा रहे हो? अब बायोलॉजी के स्टूडेंट को एक बायोलॉजी वाला ही समझाए मैथ्स तो अच्छे समझ में आएगा, समझ रहे हो, लेकिन मैथ्स वाला मैथ्स समझाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना। तो ये जो है इन्होंने कुछ नहीं, बस उस सिंपल फॉर्म में कर दिया उस लैंग्वेज को मेंडल की, और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, इन तीनों ने, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, चलो। तो ये बात ध्यान रखना, चलो अब सुनना ढंग से। क्रोमोसोम, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या पढ़ रहे थे हम, क्या बोलते थे, जीन्स इनहेरिट होती हैं, क्या कहते थे अपन, लेकिन जो है वॉल्ट सटन एंड बोवेरी, कौन क्या बोलोगे, जरूरत नहीं है वॉल्टर सटन, थियोडार बोवेरी, कुछ नहीं बोलना। सटन एंड बोवेरी ने जो है कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कौन सा दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। भैया क्रोमोसोम जाते हैं, क्रोमोसोम जाते हैं पेरेंट से बच्चों में, क्रोमोसोम जाते हैं, और जब क्रोमोसोम जाएंगे तो उनके अंदर जीन्स बैठी हुई है तो जीन्स भी चली जाएंगी। क्रोमोसोम एक जो है व्हीकल की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें जो है पैसेंजर कौन है, जीन्स है, जीन्स क्या है उनके, पैसेंजर है, समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना, 1902 में कौन सी थ्योरी दी थी उसने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और उसने जो है साफ साफ बताया था कि जैसे तुम्हारे जीन्स पेयर में होती है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, जीन्स क्या होती हैं, पेयर में होती हैं, वैसे क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, पेयर होते हैं, और जो दो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या कहते हैं उनको, होमोलोगस क्रोमोसोम, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। तो बस उसने जो है क्रोमोसोम, उसने अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, किसने, सटन एंड बोवेरी ने, ठीक है। जैसे जीन सेग्रीगेट होती है, कैपिटल ए स्मॉल ए सेग्रीगेट हो जाते हैं ना, कैपिटल ए स्मॉल ए जीन सेग्रीगेट हो जाती हैं, तो क्रोमोसोम भी तो सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो ये बात बताया उसने कि जो है जैसे जैसे जीन सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो भी सेग्रीगेट होते हैं, या क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेट होने की वजह से तो जीन सेग्रीगेट हो पाती है, सही बात है ना। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम व्हीकल की तरह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में आ गया वो व्हीकल है, एक तरीके से क्या है, क्रोमोसोम व्हीकल है, ठीक है। और व्हीकल पे कौन बैठा हुआ है, व्हीकल इस क्रोमोसोम पर कौन बैठा हुआ है, जीन्स बैठी हुई है, कौन बैठे हुए हैं, जीन्स बैठे हुए हैं, समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो, दो आइडेंटिकल पेयर को अपन क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, समझ पा रहे हो ना। तो ये बात ध्यान रखना, और दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, ये बात ध्यान रखना, जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, देख रहे हो, ये मैंने तुम्हें क्या करवाई है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये क्या हो रही है, ये क्रॉसिंग ओवर, तो दो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही होती है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही होती है, इन दोनों के बीच में होगी क्या, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी क्या, इन दोनों के बीच में हो जाएगी क्या, क्या इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी क्या, नहीं नहीं, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे हो, ये भाई दूर दूर है ना, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे क्या होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे उनके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग हो गई, समझ में आ गया? तो
ये इन दोनों के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग। इनकी जीन्स के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। समझ पा रहे हो, इधर भी जीन्स होंगी फिर ऐसे ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, या ऊपर से ओवरलैप करा लो या नीचे से ओवरलैप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत करा देना कि इसका इसके साथ ओवरलैप करा दो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बात को ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होती कि ऐसे जीन्स चेंज कर लो, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होती, ना ही ऐसे हो पाती है, ना ही सिर्फ इन दोनों में हो पाएगी और इन दोनों में हो पाएगी, क्योंकि ये भी होमोलोगस और ऊपर वाले भी होमोलोगस। क्लियर है? तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दूं, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, सिर्फ ओनली टेक्स प्लेस प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। इधर देखो, सुनो, अगर मैं बात करूं थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, ये भाई साहब मॉर्गन साहब है ये, ठीक है, इन्होंने किस पे वर्क किया था, फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया था। ये क्या है, ये फ्रूट फ्लाई। अब इनका नाम फ्रूट फ्लाई क्यों रखा, जलपरी रख देते, कुछ और रख देते, है ना, कुछ भी रख देते, कोई भी फ्लाई रख देते, है ना, क्योंकि ये फ्रूट पे बैठती है। किस पे बैठती है, फ्रूट पे बैठती है। कौन से वाले फ्रूट पे बैठती है, बनाना में, कौन से, बनाना पर बैठती है। ठीक है, ज्यादातर मेनली किस पे बैठती है, बनाना पर बैठती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो बड़ा आसान होता है इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करती है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट मिलेंगे। इतना टाइम थोड़ी है कि उसके बच्चों को देखे कब, 1 घंटा उसके अंदर, समझो 9 महीने। अगर हमारा एक हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और रिजल्ट चाहिए तो 9 महीने तो लग जाएंगे। इससे अच्छा हमने किनके ऊपर किया, जल्दी जल्दी ये जो है बच्चे पैदा करती है, तो ये बात ध्यान में रखना। इसका नाम है फ्रूट फ्लाई या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, क्या नाम है इसका। हाँ, तो ये जो है इसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए गए इस फ्लाई के ऊपर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो इसी की हेल्प से एक्सप्लेन की गई है, किसने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन, क्या कहते हैं इसे। तो ऐसे घबराना नहीं, वहां लिखा हो टीएच मॉर्गन, ये कौन सा आ गया। ठीक है, तो थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, वहां पर ज्यादातर टीएच मॉर्गन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो उसने क्या किया, भाई साहब मॉर्गन साहब ने क्या किया, समझना कि क्यों लिया भाई, ये मक्खी क्यों ली, कोई और कुछ और ले लेता, क्या दिक्कत थी, ऐसा क्या जो प्यार उमड़ रहा था मक्खी के लिए। ठीक है, तो क्या क्या था, एक तो क्या ये 12-14 दिन के अंदर ये जो है ना बच्चे पैदा कर लेती, कितने दिन में, 12-14 दिन के अंदर ही बच्चे पैदा कर देती, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, देखो, दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। जैसे सिंथेटिक मीडियम क्या, तुमने क्या लिया, एक केला लिया है ना, केले का स्क्वैश ले लिया, ठीक है, स्क्वैश ले लिया, मक्खी अपने आप आ जाएगी, और दो आपस में मक्खी आएंगी, उन दोनों को ले आओ, जिस जिसको तुम चाहते हो, है ना, जिस जिसका तुम्हारे पास है, उन दो मक्खियों को साथ में ले आओ, वो अपने आप रिप्रोड्यूस करेंगी, वहीं पे बच्चे दे देंगी। हाँ, वहीं पर ही बच्चे दे देंगे, वहीं पर ही, और क्या। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो बड़ा आसान है इनके साथ ब्रीडिंग करवाना, ठीक है, आसान है इनके साथ क्या, ब्रीडिंग कराना, इसलिए ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और जो है बच्चे भी 100-100 देती है, ऐसे नहीं कि एक हाथ बच्चा दिया, 100-100 बच्चे पैदा कर रही है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन करने में आपको स्टडी मिलेगी। ऐसे क्या है, वेरिएशन नहीं मिलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नहीं आएंगे, पर क्या 100-100 बच्चे होंगे तो कोई तो रिकॉम्बिनेशन दिखेंगे ना आपको, समझ पा रहे हो, तो इसलिए 100-100 बच्चे देती है, तो ये काफी अच्छा है। ठीक है, तो समझना इस बात को। ठीक है, अब सुनो, देखो, अब इसमें हम जो है एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये पूरा पूरा किसी का ही है, टीएच मॉर्गन का ही है। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझना क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी अभी, क्या बताया था, कि जो है ये क्रोमोसोम था, इस एक क्रोमोसोम के पास ए था, इसके इसमें इस क्रोमोसोम ए जीन था, और कौन सा जीन था, बी जीन था। इस क्रोमोसोम पर कौन सा जीन था, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो है आपस में ए और बी नहीं बनी, जो है बी बेवफा निकली उधर चली गई, मैंने बताया था आपको, कहाँ चली गई ये, उधर चली गई। ठीक है,
अब समझना इस बात को कि ये जब बी इधर चली जाएगी ठीक है, तो ये क्या क्या होगी, बेवफाई होगी से के साथ, जब ये बी इधर पहुंच जाएगी इसके साथ, है ना। तो भैया ये जो है ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या है, लिंकेज यानी सीधे एक तरीके से जो है इनका जो है रिलेशनशिप अच्छा हो गया या मैरिज हो गई एक तरीके से, ये लिंक हो जाएंगी। अब क्या हो जाएंगे, ये लिंक हो जाएगा, ए कम्प्लीटली किसके साथ लिंक हो जाएगा, बी के साथ कम्प्लीटली लिंक हो जाएगा, ठीक है। कभी भी वो बी का साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है, कभी भी बी का साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही स्मॉल ए किसके साथ लिंक हो जाएगा, स्मॉल बी के साथ, ऐसे ही वो बी का साथ नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके इसमें आपको कॉम्बिनेशन बनेंगे क्या, रिकॉम्बिनेशन लिंक, ये क्या है, ए किसके साथ जुड़ गया, ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, कैपिटल बी के साथ, ये क्या है, लिंकेज है क्या ये, ठीक है। अब और जो स्मॉल ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्मॉल ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्मॉल बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ठीक है, ये भी कहलाया जाएगा लिंकेज, क्या कहलाया जाएगा, लिंकेज, ठीक है। अब इस अगर ऐसे ही रहा तो हमें वेरिएशंस मिल ही नहीं पाएंगे, क्या नहीं मिल पाएंगे, तो इसमें बस जीन्स जो मिलेंगी, जो गैमिट्स मिलेंगी, वो तो एक तो ए भी मिलेगी और कौन सी मिलेगी, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या हमें कोई रिकॉम्बिनेशन मिलेंगे, क्या कोई रिकॉम्बिनेशन मिल ही नहीं पाएंगे, है ना, कोई रिकॉम्बिनेशन मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, रिकॉम्बिनेशन ही मिल रहा है ना। तो ये इसे कहते हैं लिंक्ड जीन, क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन। और एक बात और ध्यान रखना, जो ज्यादा पास होगा क्लोज होगा उतना ही धोखा कम देगा, है ना, समझ रहे बात को, तो उतना ही वो लिंक्ड होगा, उससे क्या होगा, एक तरीके से लिंक्ड होगा, वो धोखा नहीं देगा, जितना अगर जुड़ा होगा, है ना, कैसे छोड़ेंगे, है ना। तो समझना बात को कि अगर ये जैसे एक क्रोमोसोम है, ये ए है और यहीं पर ही जो है मान के चलो इधर है बी, क्या है, इधर बी है और एक ए केस है, यहाँ है ए, यहाँ पर है, ठीक है, समझ लो, और ठीक है, सौरो यहाँ तो ये वाली स्थिति हो गई, हम दो जान, हम एक जान, दो जान, अलग अलग जान है ना, सुनना, दो दो जिसम हो गए, जान एक ही है ना, ये तो यहाँ पर वो वाली केस हो जाएगा, यहाँ पर समझ पा रहे हो, तो ये तो यहाँ पर धोखा का, तो सुनो यहाँ पर धोखे का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना, सुनना ढंग से, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है धोखा दिया जा सकता है, क्या कर रही है ये, क्या नहीं कर रहा है, दूर दूर है मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो, ऑनलाइन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पर भी जो है थोड़ा बहुत दूरी है, ये दूरी है, समझ रहे हो ना आपको, लेकिन यहाँ पर तो कोई दूरी है ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लिंक्ड है, समझ रहे हो बात को, तो यहाँ बिल्कुल भी बेवफाई नहीं होगी, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बनेंगे ही नहीं, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बनेंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लिंकेज कहाँ होगी, लिंकेज का अगर मैं ऑर्डर दूं तो सबसे ज्यादा लिंकेज कहाँ होगी, बताओ सबसे ज्यादा लिंकेज कहाँ होगी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिंकेज जो होगी थर्ड वाले में होगी, सबसे ज्यादा लिंकेज कहाँ होगी, और लिंकेज का अपोजिट होता है रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज का अपोजिट क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या आएगा, रिकॉम्बिनेशन बनाओगे उसका अगर आप ऑर्डर देखोगे तो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन किसमें मिलेंगे, फर्स्ट में, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्राई करेंगे, है ना, फर्स्ट के बाद सेकेंड, ठीक है, थर्ड, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन मिलेंगे फर्स्ट में, सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन मिलेंगे फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद सेकंड, और सबसे कम रिकॉम्बिनेशन, भाई अलग हो ही नहीं रही, जुदा होंगे ही नहीं, आ रही बात समझ में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है, हाँ वही ये वाला केस है ना। मैं जीन मैपिंग बता रहा हूँ, सुनना ढंग से, जैसे क्या होता है कि अगर मैं मान के चलो ये एक, मैंने आपको एक क्रोमोसोम बताया था ना अभी यहाँ पर, ठीक है, ये क्रोमोसोम बताया था मैंने, ये बताया था ए, याद होगा आपको, और ये क्या बताया था मैंने आपको, बी, है ना, तो ये कितना जो दूर है, ये कितना दूर है, ये इन दोनों के बीच में कितना दूर है, इन्हें अपन कहते हैं मैप यूनिट, किससे नापते हैं इसको, मैप यूनिट, जैसे सेंटीमीटर मीटर, अब इतना थोड़ी डिफरेंस है, छोटे छोटे तो क्रोमोसोम है, सेंटीमीटर मीटर कैसे नापोगे, समझ पा रहे हो। तो जब हम जो है, अगर मैं मान के चलना कि ये दो है, ए है ये बी है, ये इन दोनों के बीच में अपन दूरियां जो है किससे नापते हैं, मैप यूनिट से, किससे नापते हैं,
मैप यूनिट से, समझ पा रहे हो? जैसे इन दोनों के बीच में मान के चलो 8 मैप यूनिट का डिफरेंस है, कितना है 8 मैप यूनिट का डिफरेंस, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बताओ 8 मैप यूनिट होगा कि उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा, ये तुम अपने आप ही बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, ज्यादा हो गया मैप यूनिट से, कितना ज्यादा हो गया, ये मान के चलो 9 मैप यूनिट हो गया या ठीक है, कितना मैप यूनिट हो गया, ये 9 मैप यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसको अपन नापते कैसे है, 9 मैप यूनिट से। अब कई ऐसे सवाल भी आते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भैया, तो कई बार इसमें लिंकेज परसेंटेज भी आते हैं ना, लिंकेज परसेंटेज भी आते हैं, लिंकेज परसेंटेज, तो इसमें जो है कितना परसेंटेज अगर ये लिंक्ड है, ये बताओ कितना परसेंटेज लिंक्ड है, ये सिर्फ 8%, कितना परसेंट लिंक्ड है, ये 8%, वही 8 मैप यूनिट का क्या कर देंगे, परसेंटेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कितना लिंक्ड है, ठीक है, इस तरीके से समझना इसको। इधर देखो, सुनो, जैसे ये देखो, ये आपको ये दिख रहा है, ये कलर्स है, ये जीन्स है ना, इधर देखो, ठीक है, तो ये जो है ये वाला कॉन्सेप्ट, मैप यूनिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, अल्फ्रेड ने, किसने, अल्फ्रेड स्टूडवेंट ने, ठीक है, अल्फ्रेड स्टूडवेंट। ठीक है, अब सुनना ढंग से, इसने ये क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि मान के चलो ये जो है, सुनो, इन ये जो दो जीन है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 8%, और इन दोनों के बीच में कितना है, 9%। ठीक है, तो या मैप यूनिट मान के चलो, तो 8 मैप यूनिट ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और इनके बीच में 9 मैप यूनिट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सुनो देखो, जैसे ये है, उन्होंने दे दिया ए और बी के बीच में, ठीक है, मान के चलो 8 मैप यूनिट डिस्टेंस है, कितना है, 8 मैप यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो है 3 मैप यूनिट, कितना, 3 मैप यूनिट। ठीक है, ए और सी के बीच में कितना यूनिट है, सी मैप यूनिट। ठीक है, तो अब सुनना ढंग से, सुनो अब सुनना ढंग से, अगर बोले ए और सी के बीच में क्या है, 3 मैप यूनिट डिफरेंस है, इसमें 8 मैप यूनिट डिफरेंस है। ठीक है, तो अब क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अपन क्रोमोसोम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता है भैया कि देखो, सबसे पहले हम ए और बी लेंगे, क्या लेंगे, ए और बी लेंगे, उनके बीच में कितना डिफरेंस है देखना जरा, 8, ए और बी कितना है यहाँ पर, कितना है बताओ, 8, तो ये वाला हो गया 8 मैप यूनिट डिफरेंस, कितना हो गया, 8 मैप यूनिट। ठीक है, ये 8 मैप यूनिट डिफरेंस हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, सुनो, वो बोल रहा है ए और सी के बीच में कितना मैप यूनिट डिफरेंस है, 3 मैप यूनिट, तो अब सी का बनाओगे मुझे बताओ, एक तो यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या ले लिया मैंने, सी बना दिया, कितना डिफरेंस आ गया बताओ जरा, 3 मैप यूनिट आ गया डिफरेंस, कितना आ गया, 3 मैप यूनिट आ गया। ठीक है, पर अब ये इधर भी तो, यहां पर भी तो हो सकता है सी, यहां पर भी तो सी हो सकता है, समझ पा रहे हो, तो इधर भी 3 मैप यूनिट, इधर भी हो सकता है डिफरेंस, समझ पा रहे हो, ये इधर भी तो 3 मैप यूनिट डिफरेंस हो सकता है, इधर भी हो सकता है सी, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है इस क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम में जीन का ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो वो ए, ठीक है, या तो वो क्या होगा, या तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो वो ए, यहाँ पर फिर बीच में सी है और फिर क्या होगा, बी है। ठीक है, या तो ये होगा जीन्स का ऑर्डर क्रोमोसोम के अंदर, या तो कैसा होगा, सी ए और सी ए और बी, बस हमें ये जो है अगर ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे तो हम कंफर्म कर पाएंगे। उसने एक एक्स्ट्रा नॉलेज और दे दी, क्या दे दी उसने एक्स्ट्रा नॉलेज, उसने बोला भाई साहब, जो आपका सी, जो आपका बी और सी के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, बी और सी के बीच में डिफरेंस है वो कितना है, बी और सी के बीच में डिफरेंस है वो बोला उसने 5 है, कितना है, तो हमारा कौन सा आंसर चला जा रहा है इसमें से, सही है ना, देखो देखो, ये हो गया 3, ये हो गया 3, और ये क्या हो जाएगा, 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए सी बी, ए सी और बी हमारा आंसर, आई बात समझ में, तो हमारा ये वाला आप टिक कर दो, तो वो जब भी वो जो इंफॉर्मेशन दे, अब मान के चलो उसने इंफॉर्मेशन चेंज कर दी, उसने इंफॉर्मेशन क्या बोली कि जो है बी और सी के बीच में, किसके बीच में, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में उसने कितना बोल दिया,
ये आपका हो गया एक तो आठ, और इसने ये बोला कि बी और सी के बीच में लगभग लगभग 11 का डिफरेंस है, कितने का, 11 का डिफरेंस है ना, तो वो क्या हो जाएगा फिर सी ए और बी हो जाएगा, फिर कौन सा आप लोगे वाला, सी ए बी, समझ पाए। तो ये इस तरीके से जो है अपन को अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, बताऊं एक क्वेश्चन, कई बार सुनने की कोशिश करना, कई बार ऐसे आपको घुमाएगा, कई बार जो है ए और बी के बीच में 8 मैप यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, वो 8 मैप यूनिट की जगह जो है बोले परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर भी बोल सकता है, 8% क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिखेगा वो 3% क्रॉसिंग ओवर, समझ में आ रहा है, 3% क्रॉसिंग ओवर, इस तरीके से भी आता है, समझ पा रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना, वो ऐसे भी देगा तो आपको मतलब समझना वही है, 8% यानी 8 ही, 8 मैप यूनिटी है, समझ पाए, 8% क्रॉसिंग ओवर यानी क्या है, 8 मैप यूनिटी है, ठीक है, बस नाम चेंज कर दिया उसने, ठीक है, समझ पा रहे हो, बस नाम चेंज कर देगा वो, 8% मतलब 8% क्रॉसिंग ओवर होगी अगर 8 में होगा तो, ठीक है। अब सिंपल सी बात भी है, देखो जरा, और है ना, अगर जैसे ए और सी के बीच में जो है 3 मैप यूनिट है, यानी 3% क्रॉसिंग ओवर होगी, कितनी होगी, 3% क्रॉसिंग ओवर होगी, समझ पा रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो आप इसको, और इसको अगर आप रटना नहीं चाहते तो उसको समझ भी सकते हो, देखो अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम होगा, अगर ए और बी के बीच में क्या होगा, ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी या कम होगी, सोचो ना ढंग से, अगर ए और बी, जैसे ये मुझे बताओ, ये ए है और ये क्या है, बी है, इन दोनों के बीच में 8% क्रॉसिंग ओवर है, कितनी है, 8% क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, इनके बीच में जो 8 मैप यूनिट है, कितना है इसमें, 8 मैप यूनिट है, ठीक है, समझ पा रहे हो। और अगर मैं वही बात करूं ए और बी की, किसकी, ए और बी की, में अगर मैं वही बात करूं, ठीक है, इसमें क्या बोला उन्होंने, ए और बी जो है पास है इसमें, कितने है, क्या है इसमें, ए और बी जो है पास में है, ठीक है, तो ये कितना है, लगभग 2 है सिर्फ, कितना, 2% क्रॉसिंग ओवर है, क्या है इसमें, 2% क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है भाई, ये क्या है, ए और बी क्या होंगे, पास में होंगे तो लिंकेज ज्यादा होगा, क्या होगा, लिंकेज ज्यादा होगा, और जब लिंकेज ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा, ये बात ध्यान रखना, लिंकेज इज रेसिप्रोकल ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये बात ध्यान रख लेना, लिंकेज इज रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो जितना ज्यादा लिंक्ड होगा जीन, ठीक है, उतना ही क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर 2% क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2% क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2 मैप यूनिट है, क्या भाई ये, 2 मैप यूनिट, ठीक है, क्या है ये, 2 मैप यूनिट है, समझ आया, तो 2 मैप यूनिट होगा तो 2% क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लिंकेज ज्यादा होगा, क्या होगा इसमें, अगर आपसे कोई पूछे लिंकेज किसमें ज्यादा होगा, इसमें या इसमें, तो क्या बोलोगे, लिंकेज इसमें ज्यादा है, क्या है, लिंकेज क्या है इसमें, ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर क्या है इसमें, कम है, तो लिंकेज क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो लिंकेज क्या होगा, कम, समझ पा रहे हो ये बात, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, यहाँ पर क्या क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, यहाँ पर कम है ना, 2% है, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर क्या है, ज्यादा है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, यहाँ पर लिंकेज क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, समझ पा रहे हो ये बात, समझ में आया। तो अब देखो नीट का क्वेश्चन है, अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, सुनना ढंग से, उसने क्या बोला, जे उसने क्या बोला, समझना इस बात को, कि जे सबसे पहले, सबसे क्या देखोगे, सबसे पहले बड़ा बड़ा देखोगे, क्या देखोगे, बड़ा बड़ा देखो, क्या देखो सबसे पहले, जे, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है इसमें, इसके बारे में बोलना है कि अब जे से ही और क्या लो, जे और
साफ साफ पता पड़ रहा है जे और एम में कितना है 20%, तो मैंने यहाँ पर ले लिया जे और यहाँ पर क्या ले लूंगा एम, ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। पर क्या पता जे और एल के बीच में कितना है, तो ये वाला जे से मैं क्या ले लूंगा यहाँ पर 35 ले लूंगा, कितना ये ले लूंगा एल, ठीक है। आइए समय में अब समझना इस बात को, जे और एल के बीच में 35 ले लिया, अब जे और एम के बीच में भी हो गए, ये तीनों हो गए, क्या हो गए अपने ये तीनों हो गए। फिर उसके बाद क्या लेंगे एल एंड के बीच में कितना है 15% है। अब देखो के इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, क्या वो क्या बोला मैंने एल और के बीच में क्या है 15% है। अब के जो है वो इधर भी आ सकता है, के एल और के बीच में क्या है 15% है, ये 15 हो गया और ये भी तो 15% हो सकता है ना, यहाँ पर भी के आ सकता है, क्या सकता है यहाँ पर भी के, हमें क्या पता है यहाँ पर इधर भी के हो सकता है इधर भी के हो सकता है ना, किधर भी हो सकता है। तो हम और देखते हैं जरा चेक करो, है ना, एल और के बीच में 15%, ठीक है, एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में 50%, देखो क्या बोल रहा है एम और एन के बीच में 50%, ठीक है, ये एम और ये एन है तो ये किसका कितना परसेंट बोल रहा है 50%, ठीक है, इतना तो ये दूर है, ठीक है ना। तो देखो सही है ये, अभी हमारी सिचुएशन हमने सही लिया, कैसे प्रूव करोगे सही लिया है कैसे, क्योंकि देखो जब एम और एन के बीच में यहाँ पर 50 बोल रहा है, एम और एन के बीच में क्या बोल रहा है 50 बोल रहा है, और क्या बोला उसने जे और एम के बीच में क्या बोला 20 उसने बोला हुआ है, समझ रहे हो, जे और एन के बीच में क्या बोला इसने, जे और एन के बीच में 20 बोला हुआ है, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। और जो है उसने क्या बोला एम और एन के बीच में क्या बोला उसने 50 बोला, एम और एन के बीच में 50 बोला, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, एम और एन के बीच में ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ठीक है, अब क्या बोला कि एम और एन सेटिस्फाइड, एम और एल के बीच में कितना है 15, एम और एल के बीच में कितना है 15, ये और देखते हैं ना, एम और एल के बीच में क्या है ये 15% है, ये क्या है 15%, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये 15% है, कोई दिक्कत नहीं है, एम और एल के बीच में ये 15% है, ठीक है। अब इधर देखो सुनो, अगर आप जो है सुनो, एम और एल के बीच में उसने दिया हुआ है 15%, ठीक है, और उसने क्या बोला एल और के में क्या है 15%, एल और के में क्या है 15%। अगर समझ के चलना, अगर एल अगर के इधर होता, के क्या होता इधर होता और इधर 15% होता, क्या होता इधर, तो ये बिल्कुल एम के ऊपर के नहीं बैठ जाता, समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, समझ रहे हो बात को, कि अगर ये हमने हमें नहीं पता कि के इधर आएगा या के इधर आएगा, हम कैसे डिसाइड करें, तो हमने ऐसे डिसाइड किया कि इधर इधर ही आएगा, किधर आएगा इधर आएगा के, कैसे डिसाइड किया के, क्योंकि उसने बोला एल और के बीच में कितना है 15%, एल और के बीच में कितना है 15%, तो हमने जो है यहाँ पर और यहाँ पर देख रहे थे, फिर उसने एल और एम के बीच में बता दिया कितना बोला 15%, एल और के बीच में, एल और एम के बीच में 15%, तो जरूर एल जो होगा वो इधर बीच में होगा, जरूर एल क्या होगा बीच में होगा, तो इधर क्या होगा उसके एम आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा उसके के आ जाएगा, अगर अगर नहीं तो अगर इन दोनों के बीच में एल और एम के बीच में 15, एल और के भी बीच में 15, तो भैया एम और के तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एम के ऊपर के आ जाए, तभी ऐसा हो सकता है, अगर एम और के बीच में क्या आ जाए 15 आ जाए, तभी एल और एम के बीच में 15 होगा और फिर एल और के बीच में 15 होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हमें के इधर लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो के हमारा कहाँ पहुंचा देंगे अपन, ठीक है, के हमारा जो है इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, किधर इधर पहुंच जाएगा, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ से साफ कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस क्या हो जाएगा बताना जरा, क्या बन जाएगा सीक्वेंस, जे एम एल के एन, ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा जे एम एल के एन, ठीक है। तो ये बात दिया हुआ है ए और डी के बी, ये सारा का सारा आपको दिया गया है, ए बी बताना है क्या होगा इसका सीक्वेंस, है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो सुनो, अपन ने क्या लिया, सबसे पहले सबसे बड़ा लो, सबसे क्या लोगे बड़ा, तो ए ले लिया सबसे बड़ा, फिर क्या मैंने ले लिया डी ले लिया, कितना बीच में डिफरेंस कितना है 90 है, फिर उसमें मैंने क्या लिया, फिर मैंने क्या ले लिया ए, सबसे छोटा लो, फिर क्या लोगे सबसे बड़ा ले लिया ना ए और डी, फिर सबसे छोटा लोगे ए और सी, कितना हो गया 10%, तो ये क्या हो गया सी ले लिया मैंने यहाँ पर, ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, ये 10 ले लिया मैंने, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा 90 है ना, ये पूरा का पूरा 90 है, ठीक है, और क्या बोला सी और बी के बीच में
सी और बी के बीच में कितना है? 20%. सी और बी के बीच में कितना है? अब मुझे ये नहीं पता इधर आएगा कि इधर आएगा, मुझे नहीं पता है ना. तो देखो मैं ये देखता हूँ बी और डी के बीच में कितना है. बी यहाँ पर क्या बी एच के आगे तो कुछ और है नहीं है, तो डी और बी के बीच में क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने बी ले लिया और ये क्या लिख दिया मैंने 60%. ये कितना हो गया? 60 हो गया. अब देखो इधर देखो ये हो रहा है क्या. फिर आप जो आखिरी वाला बचेगा वो सेटिस्फैक्ट कर देगा तुम्हारा. ए क्या बोला बोल उसने, बी सी भी कितना है 20. सी और बी के बीच में 20 आ रहा है क्या? देखो आ रहा है क्या? देखो 60 और देखो 60 देखो 90 है टोटल. 90 में से 60 हटाओ, 90 में से 60 हटाओ तो ठीक है, 90 में से 60 हटाएंगे तो 30 बचेंगे. और फिर ये है ना, समझ रहे हो बात को. देखो 60 और 20 80, 80 और 10 90, तो टोटल देखो 90 हो रहा है. सही है ये, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सी. इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए सी बी और ये डी. ठीक है चलो, कल मैं आपको लिंकेज के क्रॉस का कराऊंगा है ना. क्या कराऊंगा? ये लिंकेज के क्रॉस के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो ये कल मैं आपको बताऊंगा. वो बताऊंगा कि जो रेशियो होता है वो 9:3:1 नहीं आता है ना, वो मैं आपको कल बताऊंगा. ठीक है चलो.